हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, अगस्त के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। ओके एरीज, देखिए हमारे पास है सिक्स ऑफ वॉन्स, फाइव ऑफ वॉन्स, फाइव सिक्स। ओके, आपकी एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ना कंपटीशन हो सकता है, बिकॉज आपको जो भी आपका काम है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर, मनी, प्रोफेशन, बिजनेस, वहां पे आपको फेम मिल रहा है। डेफिनेटली आपको फेम मिल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जीत रहे हैं, आपको तारीफ सुनने को मिल रही है, आपका काम अच्छा हो रहा है। बट व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दैट लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, लोग आपके बारे में बकवास कर रहे हैं, लोग आपको लेकर यू नो लाइक थोड़ा सा कंपीट कर रहे हैं आपसे। अननेसेसरी का कॉम्पिटिशन है, अननेसेसरी की राइवलरी है, दुश्मनी दिख रही है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, आपसे झगड़े हो रहे हैं, मे बी कोई पॉलिटिक्स प्ले हो रही हो ताकि आपको उस पिक्चर से हटाया जा सके, बिकॉज आपका काम इतना अच्छा हो रहा है। तो ये अगस्त के फर्स्ट वीक की मुझे एनर्जी आ रही है, ये करियर की ही है, डेफिनेटली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ये। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। ओके एरीज, देखिए सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके के मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स आपके पास आ रहे हैं। अब मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि पैसा आपके पास आ रहा है, बट आपकी जो इंडिपेंडेंस है ना वो और उभर के बाहर आ रही है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आप खुद से अपना ध्यान रख रहे हैं, खुद अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, खुद अपने लिए चीजें खरीद रहे हैं, किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे वो आपके यू नो लाइक इफ यू हैव टू परचेज अ कार, आपको किसी और से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेकेंड वीक में। इफ यू वॉन्ट टू परचेज ज्वेलरी और परफ्यूम्स और फुटवेयर और एनीथिंग दैट इज लाइक मटीरियलिस्टिक, दैट इज That comes under the category of luxury and lavish and everything, तो वो आपको दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में मुझे दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं एंड अपनी मटीरियलिस्टिक नीड्स खुद पूरी करते दिख रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, सेवन ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई इंसान अगेन जो एनर्जी फर्स्ट वीक में थी, राइवलरी, कॉम्पिटिशन, यू नो लाइक डिमीन करना, आपको गेम से हटाना, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, बहस करना, वो मुझे एनर्जी आपके लिए सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में भी दिख रही है। कोई मैन्युपुलेटिव इंसान डेफिनेटली प्रेजेंट है, मैन्युपुलेट कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपसे झूठ सच कर रहा है, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। यू वांट टू गेट मैरिड टू अ सर्टेन पर्सन एंड आपका फैमिली मेंबर आपको इमोशनली मैनिपुलेट करे सो दैट आप उससे शादी ना करें, ये भी एक सीन हो सकता है। मे बी आप काम कर रहे हैं लाइक ऑफिस या कहीं बिजनेस में है एंड जो आप कुछ करना चाह रहे हैं, बट अगेन देर आर सर्टेन पीपल हु आर मैनिपुलेटिंग यू, हु आर ट्राइंग टू यू नो लाइक मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। तो वो सेकेंड वीक की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट हैविंग सेड दैट, फर्स्ट वीक में भी अच्छा पार्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा पार्ट है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जीत रहे हैं, अगर कोई कॉम्पिटिशन है या फिर नॉर्मल अपने काम में आगे निकल रहे हैं, आपको फेम मिल रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस है सेकेंड वीक में, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स भी हैं। थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए, थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए, थर्ड वीक ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। वेरी नाइस कार्ड्स हाँ एरीज, इसमें ऐसा नहीं है कि दो कार्ड्स थोड़े से ऊपर नीचे आ गए तो आप
एकदम से वो हो जाएं कि अच्छा मेरा अगस्त कैसा जाने वाला है। अगस्त बहुत अच्छा जा रहा है। थर्ड वीक में भी हमारे पास पेज ऑफ वॉन्स है, फोर ऑफ वॉन्स है, अगेन आपकी एनर्जी है यहाँ पे। आपकी एनर्जी है। थर्ड वीक में आपको कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती है, कोई एक ऐसी ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, मे बी थ्रू सम नोटिफिकेशन और डीएम और सम काइंड ऑफ मैसेज और कॉल और मे बी लाइक अ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, बट आपको एक ऐसी न्यूज सुनने को मिल सकती है थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट में जो आपको काफी हैप्पी कर सकती है, जिससे आप काफी एक्साइटेड हो सकते हैं। मे बी यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब ऑफर और फॉर लाइक अ यू मे बी यू प्रपोज समवन एंड यू आर वेटिंग फॉर द येस और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट कहीं से कुछ तो आपको ऐसी चीज पता लगेगी जो आपको बहुत एक्साइटेड कर देगी, जो आपको बहुत हैप्पी कर सकती है, जो आपको बहुत एंथुजियास्टिक कर सकती है। ठीक है, तो वो थर्ड वीक की एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रोमांटिक न्यूज मिल सकती है आपको जिससे आप बहुत हैप्पी हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्स भी है। हो सकता है आपने किसी को प्रपोज करा हो या किसी के सामने कुछ रोमांटिक ऑफर रखा हो एंड वहां से आपको कुछ ऐसा सुनने में मिले, हाँ सुनने में मिले, या मे बी वो इंसान बोले, आपने बोला हो दैट आई लाइक यू, ओके, एंड वो इंसान अपना टाइम ले रहा हो, बट थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट में शायद वो आपको बोले आई ऑल्सो लाइक यू और लाइक आई एम ऑल्सो इन लव विद यू एंड आई वॉन्ट टू लाइक एंटर इन टू अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप विद यू, बिकॉज फोर ऑफ वॉन्स है हमारे पास। तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी इसकी दिख रही है कि कमिटमेंट पार्टनरशिप में एंटर करना, एक लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप में एंटर करना, सेलिब्रेट करना, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप का स्टार्ट होना। ठीक है, तो वो मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। वन सेकेंड। फोर्थ वीक ऑफ ऑगस्ट के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ ऑगस्ट के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए। फोर्थ वीक ऑफ ऑगस्ट के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज, फोर्थ वीक ऑफ ऑगस्ट के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। ओह वाओ, अमेजिंग। एरीज देखिए, फोर्थ वीक ऑफ ऑगस्ट में हमारे पास है टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्स। आपकी एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड हमारे पास टू ऑफ कप्स है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट में ना डेफिनेटली पार्टनरशिप तो हो रही है, क्योंकि वो थर्ड वीक से ही हमको दिख रहा था कि थर्ड वीक से ही आपकी पार्टनरशिप, कंपेनियन, जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर जो एनर्जी होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी थर्ड वीक में एंड वो हमारी फोर्थ वीक में भी है। फोर्थ वीक ऑफ ऑगस्ट में आपको ये रियलाइज होगा कि इस इंसान के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी बहुत सही है, चाहे वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी हो, मतलब बिल्ट थोड़ा सा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, या फिर इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो, या यू नो लाइक मेंटल या फाइनेंशियल फिजिकल वट एवर इट इज, बट मुझे कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, मुझे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता दिख रहा है, मुझे पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होती दिख रही है, जो कनेक्शन है आप दोनों का, मे बी थर्ड वीक ऑफ ऑगस्ट से वो स्टार्ट हो एंड इन द फोर्थ वीक यू माइट रियलाइज दैट ब्रो दिस इज इट, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, ये ही है मेरा कंपेनियन, बिकॉज द अट्रैक्शन, द कंपैटिबिलिटी एंड द कनेक्शन इज वेरी स्ट्रांग, इज वेरी स्ट्रांग। बट हैविंग सेड दैट, हो सकता है कि आप कोई जल्दबाजी करने की कोशिश करें, मे बी आप कोई ऐसा कुछ इम्पल्सिवली कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी इस इंसान को कुछ बोल सकते हैं कि लेट्स डू दिस और लेट्स डू दैट एंड थोड़ा सा अपना इम्पल्सिवनेस आपकी बाहर आ सकती है, अपने इम्पल्सिवनेस को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना चीजें उसी टाइम चाहिए होती हैं कि जो मैंने बोला मुझे अगर ये चाहिए तो मुझे ये अभी चाहिए, ठीक है, एंड अगर आपको कोई वेट करने को बोलता है एंड अगर आपको कोई बोलता है कि यू नो लाइक गिव मी टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट, सो आप थोड़ा सा ना लाइक गुस्सा हो जाते हो या आपका हॉट टेम्पर सामने आ जाता है, आप इम्पल्सिव हो जाते हो, आप इम्पेशेंट हो जाते हो, तो वो चीज थोड़ा सा आपको फोर्थ वीक में कंट्रोल करके रखनी है, अपना थोड़ा सा फ्लोट जो है आपका, फ्लोट बोल लीजिए उसको या लस्ट बोल लीजिए, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दूसरे को बोलें कि नाउ दैट वी आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप व्हाई आर वी नॉट गेटिंग फिजिकली इंटीमेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो
जरूरी नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप एटसेट्रा में आ गए हैं तो दूसरा इंसान फिजिकली इंटीमेट हो जाए. गिव देम टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, गिव देम टाइम, मेक देम फील कंफर्टेबल. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस अगर दूसरा इंसान मना करेगा तो आपको उस पर गुस्सा आ सकता है, बिकॉज यू आर पैशनेटली इन लव विद देम एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू के भाई क्या बुरा है, यू लव मी, आई लव यू, देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू. बट हर इंसान का अलग वो होता है देखने का नजरिया, उसको रिस्पेक्ट करना सीखिए. ओके, अब हम देखेंगे कि लव के लिए हमारे पास क्या है. अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, यूनिवर्स प्लीज बताइए. अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज, यूनिवर्स प्लीज बताइए. यू विल बी सरप्राइज. देखिए एरीज, यहाँ पे कोई तो आपको सरप्राइज मिल सकता है. मे बी आपको ये चीज पता लग सकती है कि दूसरा इंसान मे बी जब वो आपके प्रपोजल को यस बोले तब आपको हैरानी हो सकती है. मे बी वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखें, यू माइट गेट सरप्राइज कि अच्छा ये कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. बट किसी तरीके का आपको सरप्राइज मिल सकता है. कोई शायद कुछ इवेंट प्लान कर रहा है आपके लिए, कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा है, कोई प्रपोज करने वाला है, आई एम नॉट श्योर. बट आई थिंक यहाँ पे ना चाहे आप सरप्राइज हो नहीं हो, दूसरा पार्टनरशिप बनता है, आ रहा है, कंपैटिबिलिटी एटसेट्रा सब कुछ अच्छा दिख रहा है लव के उसमें हमें. बट आई थिंक इट इज हाई टाइम कि आपने जो चीजें प्रॉमिस करी थी अपने पार्टनर को कि मैं ये चेंजेस ला के दिखाऊंगा, या मैं यू नो लाइक ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है मेरा, यहाँ पे मैं वर्क करूंगा, यू नो लाइक सर्टन थिंग्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स हो, वो मैं करूंगा. बट आई थिंक अभी तक आप प्रॉमिस कर रहे थे एंड सिर्फ बोल रहे थे कि हाँ मैं करूंगा, हाँ आई वर्क ऑन दिस, आई वर्क ऑन दिस, बट यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू वर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स इट. टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन. आई थिंक इट इज हाई टाइम कि अब आप वो चीजें करना स्टार्ट कर दें. बिकॉज सी वॉट विल हैपन इज आप कुछ एक यू नो लाइक एक आपने बेस बनाई हुई है अपने पार्टनर के लिए, आपने कुछ एक प्लान बनाया हुआ है अपने पार्टनर के लिए, एंड आपका पार्टनर उस प्लान को, उस बेस को बिलीव करके आपके पास आ रहा है. आपने बोला है, प्रोमिसेस करे हैं कि ये चेंजेस मैं करूंगा या करूंगी, एंड उन चीजों पे बिलीव करके आपका पार्टनर आपके पास है या साथ है या वापस आ रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन है. बट अगर वो चीज पूरी नहीं होगी देन इट इज यू नो लाइक इट इज इक्विवेलेंट टू अ लाई, राइट. सो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगस्त मंथ में. इट इज हाई टाइम यू विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर लव, यू विल हैव टू एक्सप्रेस, यू विल हैव टू प्रूव दैट दिस टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, थिंग्स विल चेंज, यू नो. ऑप्शंस हो सकते हैं डेफिनेटली, बट आपके पास शायद ऑप्शन है या इनके पास ऑप्शन है, बट आप को ये अगर लेट्स से इनके पास ऑप्शंस हैं तो आप ज्यादा मीनिंगफुल ऑप्शन हो, ठीक है. ऐसा नहीं है कि ये दूसरे के पास जा रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली टॉप पे रखते हैं अपने प्रायोरिटी लिस्ट में. बट हैविंग सेड दैट यू आर नॉट द ओनली पर्सन दे आर टॉकिंग टू. अगस्त मंथ में भी इनका कुछ ना कुछ किसी और से बात चल रही होगी, मे बी स्टार्टिंग में चल रही हो एंड देन फ्रॉम थर्ड वीक ऑनवर्ड्स वो आपको कमिट करें, वो बाकी किसी जिससे भी वो बात कर रहे थे वो बात करना बंद कर दे. बट ऑप्शंस डेफिनेटली होंगे, हो सकता है आपके पास भी ऑप्शन हो, ऐसा नहीं है, वो भी हो सकता है. यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आईज. डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं दूर से देखते हैं. लाइक मे बी दे आर ट्राइंग टू एक्ट प्राइसी, मे बी दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट दे आर नॉट दैट बॉदर्ड, तुमको रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, आई डोंट केयर, बट दे डू केयर. वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको दूर से देख रहे हैं, आपको पता नहीं लगने दे रहे कि वो कितना आपके बारे में सोच रहे हैं, बट वो डेफिनेटली 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं. ओके, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं बची है, वन सेकेंड. अब हम देखेंगे टी लीफ फॉर्चून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं. बट उससे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर, यहाँ पे जो आ रहा है स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मुझे
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको बॉडी में कोई तकलीफ है, कोई पेन है, कोई एलमेंट है, माइग्रेन, पीसीओडी, थायराइड, साइनस, एक्ने, इनडाइजेशन, व्हाटएवर इट इज, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, बैगेज है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव विद समवन, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो आप उससे रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, रेकी सेशंस करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है लेट्स से, तो आप मुझसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है आपकी, तो आप मुझसे कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, और स्कैनिंग करवा सकते हैं, और क्लेंजिंग करवा सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने से पहले आप पॉजिटिव माइंडसेट में हो, आप पेशेंस रखना जानते हो, आप डेस्परेट नहीं हो रिजल्ट्स को लेकर, एंड आप हीलिंग प्रैक्टिसेस में बिलीव करते हो। अगर ये चार चीजें हैं देन तो हीलिंग प्रैक्टिसेस वर्क करेंगी आपके लिए। अगर ये चार चीजें नहीं है तो आई वुड सजेस्ट टू नॉट गो फॉर हीलिंग प्रैक्टिसेस, बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी, मनी सब वेस्ट होगा। ओके यूनिवर्स, प्लीज बताइए एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए। विंड चाइम्स, पीस एंड हार्मनी। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास था फोर ऑफ वॉन्स, हार्मोनियस रिलेशनशिप, पीस। तो आई थिंक आपकी लाइफ में ना थोड़ा सा जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ कैसे, फर्स्ट टू वीक्स हैं जो, उसमें थोड़ा सा आपका अच्छी चीजें बट लाइक थोड़ा सा उथल पुथल भी हो सकती है, अच्छी प्लस बुरी चीजें दोनों हो सकती हैं। जो लास्ट के टू वीक्स है ना, उसमें आपका जो रोमांस है वो ओवर पार कर रहा है। सो फर्स्ट टू वीक्स में करियर आपका ओवर पार कर रहा है प्लस सम पॉलिटिक्स, एंड लास्ट के टू वीक्स में आपका रोमांस एंड रोमांस को बैलेंस करना विद प्रोफेशन वो ओवर पार कर रहा है। बट डेफिनेटली अगस्त मंथ में आपका सुकून होने वाला है, हार्मनी होने वाला है, एंड आई थिंक जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा उसके थ्रू आपको बहुत स्थिरता बोलते हैं ना, एक स्टेबिलिटी वो मिलेगी। यूनिवर्स प्लीज बताइए अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज अगस्त मंथ के। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, पैसे को लेकर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, मे बी आप किसी को उधार दे रहे हो पैसा एंड वहां से वापस ना आए, या मे बी आप कहीं पे इन्वेस्ट करो वहां पे नुकसान हो सकता है। सो अगस्त मंथ में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, मे बी आप कहीं पे कुछ टिकट बुक करें एंड देन फ्लाइट कैंसिल हो जाए, एंड देन यू नो लाइक पैसा आपका कुछ तो अटक सकता है कहीं पे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट फाइनेंशियल पिंच हो सकता है, स्पेशली मुझे लग रहा है ये जो मैन्युपुलेटिव इंसान है ना, ये आपको मैन्युपुलेट कर सकता है, जो सेकेंड वीक में मैंने आपको बोला था वो मैन्युपुलेट कर सकता है इनटू इन्वेस्टिंग समवेयर। ठीक है, वो बोले भाई यहाँ पे तो बहुत प्रॉफिट होगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, एंड देन एकदम सब कुछ पैसा चला जाए। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेजेस। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज इज ऑन द वे, कहाँ गया कार्ड। पेज ऑफ वॉन्स, मैसेज, डीएम, इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू मेक यू वेरी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, न्यूज इज ऑन द वे, डबल कंफर्मेशन है, कोई तो हैप्पी न्यूज डेफिनेटली आपको अगस्त में फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक में मुझे लग रहा है रिगार्डिंग योर रोमांस। बट देख सकते हैं कोई और भी चीज हो सकती है, बट रोमांटिक मुझे एटलीस्ट ये फीलिंग आ रही है। बट करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड भी न्यूज हो सकती है, बट इट्स गोइंग टू बी अ गुड न्यूज डेफिनेटली थर्ड वीक ऑफ अगस्त में, देखिएगा बताइएगा मुझे। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल, कोई भी मैसेज एरीज के लिए अगस्त मंथ के लिए यूनिवर्स प्लीज बताइए। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। देखिए अगस्त में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ वीक में तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, लव आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है, एक रिलेशनशिप, हार्मनी, पीस सब आ रहा है। बट अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में आपको ये लग सकता है, इस चीज की फीलिंग आ सकती है कि यार कुछ तो मिसिंग है,
यू नो लाइक आई हैव एवरीथिंग बट आई हैव फ्रेंड्स बट देन ऑल्सो देर इज दिस वॉइड दैट इज इनसाइड लाइक जो अंदर से मुझे खा रहा है, एक खालीपन, एक खोखलापन सा है. तो वो एक होता है ना कि करियर है, गोल्स है, बट प्यार करने वाला कोई नहीं है. देर इज नो वन टू लव, टू फॉल इन लव विद. या प्यार करने वाला कोई है बट करियर नहीं है, गोल्स नहीं है. तो आई थिंक कुछ ना कुछ आपको कमी महसूस हो सकती है अगस्त स्टार्टिंग में. एंड आपको ये चीज फील हो सकती है कि बाकी लोगों के पास तो थोड़ा 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 सब कुछ है, मेरे पास ये चीजें नहीं है. तो वो लैक वाली जो चीज है ना, वो आपको अगस्त मंथ में फील हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है. बट बर्ड फ्लाइंग, यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. एरीज, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.